हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, नीलम साहा जी का रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने मुझे फर्स्ट चैनल पर कमेंट किया था कि उन्होंने पूछा था कि करवा चौथ का व्रत हम कैसे करें अगर हम प्रेग्नेंट हैं। तो देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो इसके बारे में मैं अपने हिसाब से नहीं बता सकती हूँ। बस जब मैं प्रेग्नेंट थी और करवा चौथ का व्रत पड़ा था, मैंने क्या किया था वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले 2017 में मैं जब कंसीव थी, तो उस समय मैं सेकेंड 2 मंथ, मतलब 2 मंथ कंसीव थी। हाँ, 2 मंथ कंसीव थी और उस समय मैंने करवा चौथ किया था। मैं जिस तरीके से करवा चौथ करती हूँ, उसमें पानी, खाना तो छोड़ दो, पानी भी नहीं पीते हैं, ठीक है? तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल वाली बात थी कि नॉर्मल डेज़ में मैं काफ़ी पानी पीती हूँ, मुझे हर आधे घंटे में 1 गिलास पानी चाहिए होता है नॉर्मल डेज़ में। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो उस उन दिनों में तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझे बहुत प्यास लगती थी। तो मैं अपने डॉक्टर के पास सबसे पहले गई थी और उनसे मैंने बात की कि मुझे किस तरीके से करना चाहिए। डॉक्टर तो सुनते ही पहले भड़क जाती हैं कि प्रेगनेंसी में कोई उपवास करता है, मतलब डॉक्टर बोलते हैं और ये बोलना भी चाहिए डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने मुझे गुस्सा किया, लेकिन करवा चौथ का व्रत हमारे में छोड़ के नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल थी। तो डॉक्टर ने मुझे जो कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले करवा चौथ के दिन डॉक्टर ने कहा कि आप लोग अगर सरगई खाते हो, सरगी खाते हैं ना, तो अगर ये करते हो तो सुबह आप जब करते हो तो उसमें आपको जो खाना खाना है वो अन्न खाना है, मतलब कुछ भी अनाज खाना है आपको, और ध्यान रखना है आपको इसमें ना ज़्यादा मीठा खाना है ना ज़्यादा नमकीन, क्योंकि मीठा और नमकीन ये दोनों ही खाने से क्या होगा कि आपका जो पानी पीने की क्रेविंग है वो बढ़ती जाएगी, मतलब आपको बहुत प्यास लगेगी सारा दिन। तो आपको मीठा और नमकीन कम खाना है, नमक कम खाना है। तो मैंने मीठा और नमक बिल्कुल ना के बराबर खाया था, और मैं मोस्टली जनरली ऐसा है ना कि मैं बिना चीनी की चाय पी सकती हूँ, बिना नमक का खाना भी खा सकती हूँ, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्प किया कि मीठा और नमक मैंने दोनों ही कम खाया। दूसरा एक चीज़ डॉक्टर ने जो बोला था कि अगर आप फास्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि कोई बड़ा आपके साथ हो और आप उस दिन कोई काम ना करो, रेस्ट करो, फुल ऑन रेस्ट करो। तो मेरी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग 3-4 महीने फुल ऑन रेस्ट था, मेरा बेड रेस्ट था, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग आने की प्रॉब्लम थी, मुझे ब्लड आने लगता था, तो इस वजह से मेरा बेड रेस्ट ही था। तो डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था उस हिसाब से मैं बेड रेस्ट पे थी, एंड करवा चौथ के लिए भी मैं बेड पे ही थी, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती थी अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 4 महीने मैंने कोई काम नहीं किया है, तो मैं तो रेस्ट पे ही थी। डॉक्टर ने कहा था जितना आप सो पाओगे उतना अच्छा होगा, ताकि आपका जो आप मतलब काम नहीं करोगे तो प्यास नहीं लगेगी, खाने की तरफ नहीं देखोगे तो भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ना आपको भूख और प्यास दोनों ज़्यादा लगती है, खाने पे भी देखोगे तो खाने की क्रेविंग होती है। खैर, मेरी प्रेगनेंसी में खाने की क्रेविंग मुझे नहीं थी, नॉर्मली भी नहीं थी मुझे खाने की क्रेविंग, लेकिन हाँ पानी की प्यास लगती थी। और खैर, मैं फुल डे रेस्ट पे थी, मैं ज़्यादातर सोती ही थी, नींद तो नहीं आती थी लेकिन मैं फिर भी सोती थी, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। अब मैं आपको वो बता रही हूँ जो काफ़ी घरों में होता होगा। मेरे घर में मेरे इन लॉज, मेरी मम्मी जी ऐसा करती हैं, उन्होंने मुझे भी कहा था करने के लिए लेकिन मैं ऐसा नहीं की। हमारे घर में भी होता है, काफ़ी घरों में होता होगा कि सुबह आप नहा धो के जो पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं करवा चौथ की, उसके बाद बहुत लोग पानी पी लेते हैं, बहुत लोग फ्रूट खा लेते हैं। तो मेरी मम्मी जी ने कहा था ये चीज़ कि फ्रूट वगैरह खा लेना करवा चौथ में, क्योंकि इन दिनों मतलब कैसे करोगी। पर क्या होता है ना कि जब हम स्टार्टिंग से उठाते हैं, जैसा हम उठाते हैं तो वैसा ही करना होता है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे करवा चौथ में मैं पानी या फ्रूट पीऊँ खाऊँ, क्योंकि आप समझ सकते हो, तो मैंने ऐसा नहीं किया था। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आप, ये ऑप्शन है आपके पास, आप कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई नहीं, पहला जो 2 ऑप्शन है उसको ज़रूर ट्राई करो। और सबसे पहले मैं बोलूँगी इन सब बातों से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आपको
आपको डॉक्टर के पास अपने जाना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, कैसी है, अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके का ग्रोथ है, क्या है, मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, ये आपके डॉक्टर ही आपको जानते होंगे, वो आपको डायग्नोस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे केस में जो मैंने बताया कि मेरी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी। आपके केस में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर आपको हमेशा अच्छी ही राय देगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद डॉक्टर जैसे जैसे बताए वैसे कीजिए। अगर आप बिना पानी के फास्ट करना चाहती हैं, तो आप ये दो काम जो मैंने बताया है कि सर्दी में आप फुल ऑन अच्छे से खाना खा लीजिए, नमक और चीनी कम, ना के बराबर। दूसरा आपको करना है कि जितना हो सके रेस्ट कीजिए, जितना हो सके सोने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी आपका जो करवा चौथ का दिन है वो निकल जाएगा। करवा चौथ के दिन क्या होता है, हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं, चांद नहीं निकलने को तैयार होता है, तो 9 साढ़े 9 तो बज ही जाते हैं। तो वो जो शाम का टाइम होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस टाइम में आप कोशिश कीजिए कि कुछ गैदरिंग में हो, मीन्स एक से ज़्यादा लोग, मतलब कुछ ग्रुप में हो, ताकि बात करने में ही टाइम निकल जाए और अकेले रहने से बचे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, क्योंकि अगर अकेले रहोगे ना, तो आपको प्यास लगेगी ही लगेगी। तो अकेले रहने से बचे। और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपका व्रत ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो पहला पानी आप पीते हो, तो बहुत लोग नॉर्मल पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, बहुत लोग गर्म पानी पीते हैं। मैं हर वो प्रेग्नेंट लेडी को एडवाइस करूँगी कि वो नारियल पानी पिए। नारियल पानी नारियल पानी हमारी बॉडी के जो भी नीड्स होती है ना, उसको पूरा करता है, टेस्ट भी देता है, और हमारे अंदर जो एनर्जी की कमी होती है उसको पूरा करता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, कभी भी आपको उपवास के बाद जब आप पानी पीते हो, चाहे वो पानी हो, जूस हो, कुछ भी, उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं पीजिए, नहीं तो वो आपके लिए दिक्कत देगा, वो पेट में दर्द महसूस करवाएगा आपको। मैंने ये गलती की थी, और मैंने मीन्स मतलब पानी जब मिला, तो मैं एक गिलास पूरा बड़ा वाला लस्सी का गिलास होता है, उस गिलास से एक गिलास पानी एक बार में पी गई बिना सांस लिए, मतलब इतनी प्यासी थी। उसका नतीजा मुझे रात भर भोगना पड़ा, क्योंकि मेरे पेट के अपर जो चेस्ट के नीचे और पेट के ऊपर का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे मुझे बहुत पेन हो रही थी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो जो 2-3 घंटे थे ना, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ वाले थे। तो मैं आप सभी को एडवाइस करूँगी कि आप लोग पानी एक बार में ज़्यादा मात्रा में ना पिए, क्योंकि वो सही नहीं होता है। बस ये छोटी सी चीज़ थी जो आपके साथ शेयर किया मैंने, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए बनाना ज़रूरी था। करवा चौथ आने वाला है, मे बी करवा चौथ को बहुत लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड बेल बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे और आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।